सुबह लगभग 5 बजे से लाइन पे खड़े हैं सर। प्रशासन का कोई यहाँ पे कोई ये नहीं है, सब उधर चितर भीतर, कोई भी अंदर घुस रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है। ना पानी पानी है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना हवा है, और लाइट भी कभी आ रही है कभी जा रही है, और गर्मी से तो बेहाल होगा है सब लोगों का। सर हम तो पहली बार आए बाबा के दर्शन के लिए, हमको पता नहीं था इतना खतरनाक काम है, बोल के यहाँ। तीर्थ यात्रा में थोड़ी तकलीफें तो पहले भी होती थी, श्रद्धालुओं का सैलाब तो पहले भी चार धाम यात्रा के लिए आता था, लेकिन पहले ना तो लंबी कतारें थी, ना अपनी बारी आने का इंतजार करना था। चार धाम यात्रा में इस बार सब कुछ अलग है। लंबी लंबी कतारों में घंटों का इंतजार करते इन श्रद्धालुओं को देखिए, लोग कई घंटों तक लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं, सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुबह लगभग 5 बजे से लाइन पे खड़े हैं सर। प्रशासन का कोई यहाँ पे कोई ये नहीं है, सब उधर चितर भीतर, कोई भी अंदर घुस रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है। लेडीज लोगों की इतनी दिक्कत हो रही है कि पूछो मत। ना पानी पानी है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना हवा है, और लाइट भी कभी आ रही है कभी जा रही है, और गर्मी से तो बेहाल होगा है सब लोगों का। सर हम तो पहली बार आए बाबा के दर्शन के लिए, हमको पता नहीं था इतना खतरनाक काम है, बोल के यहाँ पे। हाँ सुबह 5 बजे से सर लाइन पे है, 10 बज रहे अभी, कम से कम 1 घंटा मुझे वहाँ पे जाने, काउंटर पे जाने को लगेगा जब जाके मेरा नंबर लगेगा। ऐसे लगभग बहुत बहुत जो ये है बड़ी दिक्कत में सब कुछ फंसे हुए यहाँ पे। चार धाम यात्रा के लिए लगी ये लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि इस बार अपने आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। धामी सरकार ने इस बार सभी यात्रियों के लिए पंजीकरण जरूरी कर दिया है, लेकिन अब पंजीकरण का इंतजार चार धाम आए लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह यात्रियों के लिए पीने के पानी और जरूरी चीजों का इंतजाम किया गया है, लेकिन टोकन और पंजीकरण के लिए यात्रियों की लंबी लंबी कतारें परेशानी का सबब बनी हुई है। कोई गर्मी से बेहाल हो रहा है, कोई खड़े खड़े थक जाता है, तो वहीं जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ट्रांजिट कैंप में यात्रियों का हुजूम उमड़ा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अब यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण काउंटर को बढ़ाने जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अब 12 की जगह 18 काउंटर करने जा रहा है। देहरादून के डीएम सोनिका ने रजिस्ट्रेशन कैंप पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला अधिकारी ने यात्रियों के लिए पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। रोजाना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश केंद्र में निर्धारित संख्या पर उन्होंने यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। डीएम ने बताया कि स्लॉट संख्या से अधिक यात्री पहुंचने पर उन्हें नजदीकी स्कूल, कॉलेज, वेंडिंग प्वाइंट और धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए। यात्रियों को फ्री में रुकने के साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। हमने पूरा एरिया एक बार देखा है और सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कोई अगर किसी यात्री को असुविधा हो रही है तो उसका किस तरह से निराकरण किया जाए। और अभी हमने देखा है कि व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट सब जगह पे सुचारू रूप से चल रही हैं। जहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन तत्काल वाला हो रहा है, वहाँ पे हमने काउंटर्स बढ़ा दिए हैं, करीबन 12 काउंटर्स हमने कर दिए हैं और टोकन सिस्टम हमने शिफ्ट कर दिया है ISBT की तरफ से, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। इसके अलावा हम यात्रियों को सबको यही बता रहे हैं कि आप जाके, क्योंकि स्लॉट बाद का है, तो आप यहीं पे जो हमारे वेडिंग पॉइंट्स है, हमने धर्मशाला वगैरह सब खुलवा दिए, और वहां जाके अपना आराम करें और उसके बाद आके यहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धामी सरकार ने चार धाम यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की है, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच पंजीकरण प्रक्रिया परेशानी बन रही है। चार धाम यात्रा में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की गई है। इसके तहत केदारनाथ में रोजाना 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। सरकार ने पिछले साल हुई अव्यवस्था से सबक लेते हुए ये कदम उठाया है। दरअसल पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग चार धाम यात्रा में पहुंच गए थे। इसके चलते प्रशासनिक व्यवस्थाएं डामाडोल हो गई थी। इसी कारण धामी सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित की है। एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे, 16,000 लोग बद्रीनाथ में, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में, तो 11,000 लोग गंगोत्री धाम में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। चार धाम में अव्यवस्था न फैले,
सरकार के पास पहले से ही आने वाले यात्रियों के आंकड़े मौजूद रहे, इसी को लेकर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। लेकिन काउंटर की कमी और सीमित स्लॉट के चलते श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि प्रशासन अब 6 और नए काउंटर खोलने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में चारधाम यात्रियों की मुश्किलें कुछ हद तक कम होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।